काटने वाले महफिल सजाएंगे। कटेंगे तो कटेंगे। भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। ये तीनों बयान इस बात का सबूत है कि आरएसएस और बीजेपी बिखरे हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने में जुटे हैं। बीजेपी का मानना है कि कभी पीडीए के नाम पर तो कभी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर विपक्ष हिंदुओं को बांटने में जुटा है। लगातार उनके वोट बैंक में जातियों के नाम पर सेंधमारी की जा रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए चुनावों में भी उठाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस और सपा है जो हिंदुओं को जाति में बांटकर सियासी फायदा लेने में जुटी है, तो दूसरी तरफ जातियों से हटकर बीजेपी हिंदुओं को धर्म के नाम पर एक होने का संदेश दे रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लगातार एक के बाद एक बयान देकर हिंदुओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के पहले से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जातियों के आधार पर अपनी सियासत मजबूत करने की जुगत में जुटे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि इंडिया अलायंस की बात होते होते अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का राग छेड़ देते हैं। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीडीए हैं उनको बचाने का काम होगा। अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी भी कई मौकों पर जातियों का समीकरण साधते दिखे हैं। कभी पदों पर बैठे अधिकारियों की जाति पर सवाल उठाया तो कभी संसद में बीजेपी को घेरते दिखे हैं। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सा। ये सबसे ऊपर ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसको नाम, उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया, रेलवे के महादलित तो आप। अखिलेश और राहुल के इन बयानों के बाद साफ है कि बीजेपी अब इन जातियों के चक्रव्यूह को तोड़कर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में जुट गई है, जिससे वो चुनावों में हो रहे नुकसान से पार पा सके और आरएसएस अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बोलिए भारत माता की। तो हिंदुओं को संदेश तो दे दिया गया है, कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब आगे बढ़ते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को करारा प्रहार करते हुए वार करने की तैयारी कर ली है। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी।